बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं मेडिकल कॉलेज के डिफरेंट स्टूडेंट्स से, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सिंक है उस सबके लिए काम कर रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, किस तरह से काम करती है, आजकल स्पेसिफिकली कोरोना के हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो टारगेट है वो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं अली हसन मलिक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर सिंक हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफा सलीम मलिक, जो नेशनल प्रेसिडेंट सिंक हैं, इनके साथ तशरीफ फरमा हैं समरा सादात, जो नेशनल हेड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अली हसन से जानना चाहूंगी कि सिंक है क्या। जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज का कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया इस प्रोग्राम में। सिंक बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस का काम कर रही है तालीम और सेहत के शोबा जात में, और इसके साथ साथ हम लोग सोशल वेलफेयर पे भी काम कर रहे हैं। हमारा जो सेटअप है 40 मेडिकल कॉलेजेस में हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं और हमारे मोर देन 1000 मेंबर्स हैं जो कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से हमारी टीम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में भी हमारी टीम्स हैं, सिंध में, KPK में, गिलगित, बलोचिस्तान, हर जगह से हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंक के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिंक जो हेल्थ में हम लोग रेस्क्यू 1122 के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम स्कूल एंड कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को जाके फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो उसमें आपने फौरी क्या स्टेप्स लेना है जिसकी वजह से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर, ठीक है, जिसमें अगर फर्स्ट आवर में आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाएं जिससे लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। तो ये हम रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग FSC लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। जबरदस्त। रीजन अभी ये है कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा लोगों को डिफरेंट फील्ड्स का आइडिया नहीं होता। हमारी टीम जी और डॉक्टर बनना भी लोग समझते हैं कोई रॉकेट साइंस है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जाके डिफरेंट बिल्कुल स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये आइडिया नहीं है। तो इसलिए हमारी टीम स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे जाके एक तो उनको इस फील्ड के हवाले से अवेयरनेस देते हैं कि अगर आपने MBBS में आना है या इंजीनियरिंग फील्ड में आना है तो किस तरह एंट्री टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, और हम साथ उनको ये भी बताते हैं अगर आपका एडमिशन MBBS में या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता, इसके अलावा दुनिया में और कौन कौन से ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन जो कि आप बहुत अच्छा उनका फ्यूचर है। हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, प्री मेडिकल की अगर मेडिकल फील्ड की बात करूं, DPT, फार्मेसी, MLT, MIT, न्यूट्रिशन, ये हजारों ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत अच्छा करियर परसू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है हसन आपने, जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और उनको राइट फील्ड चूज करने का मशवरा दे रहे हैं और बताया जा रहा है उनको कि डॉक्टर अगर आप नहीं बन रहे तो और किस फील्ड में जा सकते हैं। हम स्पेसिफिकली इस वक्त कोरोना के हवाले से बात करेंगे। असल मुझे ये बताओ कि कोरोना के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सिंक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म किया, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो इस बात पे नज़र रखता है कि कौन सा नीड ऑफ आर है जिस पे हमें प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही दिसंबर 2019 में WHO की तरफ से एक पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला एक कोरोना वायरस जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ, तो फिर हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोरोना वायरस प्रोजेक्ट। समरा ने उसको हम लीड किया, उसको हमने दो फेजेज में डिवाइड किया। एक जो सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, हमने सोशल मीडिया की पार यूज किया, उर्दू में, इंग्लिश में हमने पोस्टर्स बनवाए, वो हम लोगों ने शेयर करवाए। सेकेंडली हम खुद मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारा उस हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा विजिट्स होते हैं, वहाँ पे अटेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उन्हें इसके बारे में उस टाइम तक अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान में तब जीरो केसेस थे, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल बेस्ड अवेयरनेस की। लेकिन जब पाकिस्तान में इसके केसेस आना शुरू हुए, यहाँ पर ये इमरजेंसी नाफिज होना शुरू हुई, तो हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को बंद किया और सिर्फ एक कोरोना वायरस पे हेल्प फ्रॉम होम सेशन स्टार्ट किए। 5 डेज में हमने 151 सेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान हमने कंडक्ट करवाए। वेरी गुड। लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद, साईवाल, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, रहीम यार खान, हर एरिया में हमारे मेम्बर्स ने अपने अपने घरों में जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को, नेबर्स को, घर घर जाके उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई, कोरोना वायरस के बारे में अवेयर किया। तो इस पूरे घर घर जाके आपने लोगों को एजुकेट किया। समरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों को आप लोग केटर कर रहे हैं? देखिए हमारी जो सोसाइटी है, इट स्टैंड्स फॉर सॉलिडैरिटी अमंग यंग नेशंस फॉर चेंज।
तो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो है यूथ, हमारी जो है हमारी जो यूथ होती है वो हमारा टैलेंट होता है, उनमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो हमने अपने यंग स्टूडेंट्स, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट किया, उनको हम लोग हर तरह से एजुकेट करते हैं, हमें उनको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि वो आगे फर्दर कंडक्ट करवाएं प्रोजेक्ट्स अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे और आगे अवेयर करें लोगों को। फॉर एग्जांपल हमारा जो हेल्प फ्रॉम होम प्रोजेक्ट था, हमारे जितने भी सिंह मेंबर्स थे, माशाल्लाह से 1000 तक मेंबर्स हैं हमारे, तो हमने उन सबको कहा कि अपने अपने घरों में, एज यू नो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो उनको हमने गाइड किया कि आप अपने अपने घरों में स्टार्ट करें अवेयरनेस प्रोग्राम और अपने अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स एंड नेबर्स को आगे फर्दर एजुकेट करें। इस तरह एक जैसे एक चेन, एक नेटवर्क डेवलप हो गया। बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि सिंह की जो काविशें हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपने बहुत अच्छा है ना, ऐसा बड़ा अच्छा किया कि इन बच्चों को यहां बुलाया जी। मेरे ख्याल में मेडिकल एजुकेशन की जो आउटकम है वो सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट पैदा करना ही नहीं है, यानी ऐसा बंदा जो ब्लड प्रेशर का इलाज कर सके और अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सके, नहीं। इसका पर्पस ये है कि हमें हेल्थ एडवोकेट्स पैदा करने हैं, हमें कम्युनिटी लीडर पैदा करने हैं। तो ये जो सिंक है मैं इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में भी जब मैं प्रिंसिपल था तो इसकी एक ब्रांच यहां मौजूद है और शायद गालबन ये बच्चे भी हमारे पास यहां आए होंगे, वरना इनके कॉलीग्स यहां विजिट करते रहते थे। बिल्कुल। तो ये असल में सही राइट वे है कि हम मेडिकल लेवल पर ही बाहर निकल रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जी जी हाँ, तो ये हमें ये चाहिए कि हम ये भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं, ये वो हैं जिन्होंने हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी में अगले कुछ सालों के अंदर एक्टिव पार्ट प्ले करना है। तो इस लेवल पर इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए और जितना भी सपोर्ट किया जाए वो कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हसन अली मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपने कितने लोगों को एजुकेट किया है कोरोना से रिलेटेड, कितने बच्चों को आपने एजुकेट किया है? जी कोरोना के हवाले से हमारे दो फेजेस में जिस तरह आसफा ने मेंशन किया हम लोगों ने काम किया, पहले तो हमने हॉस्पिटल बेस्ड काम किया और साथ ही फिर हम लोगों ने हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस के थ्रू अपने घरों में लोगों को एजुकेट किया। तो डायरेक्टली जो हमने एजुकेट किया वो ऑलमोस्ट अराउंड 5000 लोगों को हमने डायरेक्टली एजुकेट किया और फिर थ्रू सोशल मीडिया हमारे मोर देन 100,000 रीच हुई है और जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना मैसेज डिलीवर किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अली हसन आस्था आप मुझे ये बताएं कि लोगों में आप गए हैं, घर डोर टू डोर आपकी कैंपेन थी, घरों में गए हैं, लोगों को एजुकेट जब किया तो क्या लोग पहले से ही वेल अवेयर्ड थे, लोगों को आइडिया था कि कितना सीरियस इशू है या नहीं जाके बताना पड़ा और बहुत मेहनत करनी पड़ी? देखिए हमने ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट किया, हमने ऐसे ऐसे एरियाज़ को अप्रोच किया जहां पर लोग शायद सोशल मीडिया को उतना यूज़ नहीं करते। हमें पता है कि कोरोना वायरस जो मेन जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एल्डरली पीपल हैं या छोटे बच्चे हैं, हम यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स मीडिया यूज़ करते हैं, हमें पता होता है कि अब ये दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, कोरोना वायरस के प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं। लेकिन जब हम घरों में गए, हमने उन बूढ़े लोगों से, उन बच्चों से बात की तो उनका एक लेवल ऑफ हमने इंटरेस्ट डिवेलप किया, हमने अपना जो प्रोजेक्ट था उसको डिज़ाइन ही इस तरह किया कि हम देखें कि हमारे प्रोजेक्ट से पहले उनकी क्या नॉलेज थी और प्रोजेक्ट के बाद उनकी क्या नॉलेज थी। जैसे कि हमने डिफरेंट क्वेश्चनर्स डिजाइन किए, वर्कशीट डिजाइन किए, मैंने खुद अपने घर में एक सेशन किया, मैंने बच्चों के साथ किया, तो मैंने पहले उनको सब कुछ बताया, मैंने पहले जाकर उनसे पूछा कि आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं कि नहीं, एंड दे वर लाइक कि सिर्फ एक वायरस है और हमें स्कूल से छुट्टियां होंगी, वो खेल रहे थे, उनको नहीं पता था। लेकिन जब उनको पूरी अवेयरनेस थी, उसके बाद छोटी छोटी वर्कशीट्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई, उन वर्कशीट्स को जब उन्होंने सॉल्व किया तो वहां से मुझे मालूम हुआ कि नहीं अभी मजीद लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की जरूरत है। तो फिर उसको हमने पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड किया और यही जो हमारी रिसर्च टीम है उसका मकसद है। बहुत जबरदस्त आप लोगों ने स्टेप्स लिए और बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है आप लोगों का। अच्छा मुझे कुछ ये प्ले कार्ड्स नजर आ रहे हैं यहाँ टेबल पर, थोड़ा सा बताइएगा ये क्या है, बड़े कलरफुल से हैं और बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे भी समझ आ रही क्या है, थोड़ा सा उठा के दिखाएं सामने ही आपका कैमरा, आपने एक्सप्लेन करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या। समरा जी आप अपना प्ले कार्ड दिखाओ जी। जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस कॉजेज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जी, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मेन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, फीवर हो गया बिकॉज इट्स अ वायरस एंड इट कॉजेज फीवर, एंड देन देयर इज कफ,
ड्राई कफ होती है हमें कोरोना वायरस में, एंड देन देयर सोर थ्रोट, और आखिर में जो मेन इसका सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो इसको कॉमन फ्लू एंड कोल्ड से डिस्टिंग्विश करता है. अच्छा समरा, मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी कि बच्चे जो होते हैं उनको एजुकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो हर बात को सर से अब्सॉर्ब नहीं कर रहे होते, समझ नहीं रहे होते, तो उनको समझाना कितना मुश्किल था, और आप भी ये प्ले कार्ड प्लीज दिखाएं. अच्छा हम लोगों ने जो जी आप समरा पहले जवाब दीजिए, बच्चों की होती है पिक्टोरियल मेमोरी, वो देख के ज्यादा लर्न करते हैं. बिल्कुल, तो हमने मेन फोकस ये रखा कि हम लोग कलरफुल चार्ट्स रखें, उनको कलरफुल चार्ट्स रिप्रेजेंट करके दिखाएं, वीडियोस दिखाएं. और जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बचपन में डॉक्टर्स बहुत फैसिनेट करते थे, लैब कोट, स्टेथोस्कोप. तो हमने अपने वर्कर्स को ये कहा कि आप प्रॉपर गेटअप करके जाएं अपना लैब कोट में और स्टेथोस्कोप पहन के, इस तरह बच्चे फैसिनेट होंगे, इंस्पायर भी होंगे, और वो सीरियस भी लेते हैं इस तरह अपने क्या कहते हैं सीनियर्स को. फिर हमने उनसे टेस्ट वगैरह भी करवाया कि कितना उनको नॉलेज था, वर्कशीट्स दी उन्हें इस तरह. फिर आस्था आपके प्ले कार्ड पर क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाएं कैमरा में ताकि सही तरह नजर आए कि ये क्या इस पे लिखा हुआ है. अच्छा बेसिकली हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, हमने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी कि अगर मैं एक आम आवाम के सामने मेडिकल टर्म्स यूज करूँ तो उनको समझ नहीं आएगी, हमें उन्हें आसान करके बताने, क्ले मैन की लैंग्वेज में बोलें. तो हमारा मकसद ये था कि हम अपने प्ले कार्ड्स उर्दू और इंग्लिश दोनों में बनाएं, कुछ लोग हैं उनको इंग्लिश समझ आएगी. अब जैसे ये प्ले कार्ड है हमने उर्दू में बनाया, इसमें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई हैं, ये स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों के बताने की जरूरत है, और इवन बड़ों को भी कि टिश्यू पेपर यूज करना है, अगर यूज करना है तो उसको डिस्कार्ड करना, डस्टबिन के थ्रू करना है. इसी तरह अगर छींक आ रही है तो आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, बाजू का इस्तेमाल करना, इस तरह करना ताकि आपके हाथ पे जर्म्स ना लगे. कपड़े तो साफ हो जाते हैं, वहां से जर्म्स उतर लेंगे, लेकिन हाथ से आप सर्फेस पे हाथ रखेंगे वहां पे जर्म्स ट्रांसफर होंगे. इसी तरह आपने क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, ये पिक्चर के जरिए उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इसी तरह मास्क का इस्तेमाल करना, इवन अभी मेरी पॉकेट में सैनिटाइजर मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त, मेरे बैग में भी सब सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, हमारी टेबल पे यहाँ पे सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, हम भी मास्क लेके घूम रहे हैं. तो ये ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल भी हैं, और सिर्फ इन प्रिकॉशनरी मेजर्स पे अगर हम लोग वर्क करें तो हम लोग इस इतने बड़े पेंडेमिक से बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त आप लोगों का मैसेज है, और आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह से काम करते रहें, लोगों को एजुकेट करते रहें. बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है. थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच आसिफा, थैंक यू सो मच समरा, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर